तो आज हम लोग बात करेंगे PRP इंजेक्शन बालों के लिए। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बोलते हैं इसे, और इसे समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि प्लेटलेट्स क्या होती हैं और प्लाज्मा क्या होता है। तो हमारे ब्लड में बहुत सारी सेल्स होती हैं, डिफरेंट तरह की। रेड ब्लड सेल्स होती हैं जिसे RBC बोलते हैं, और इसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और ये ऑक्सीजन को हमारे लंग्स से बॉडी के तमाम जगहों पर पहुँचाने का काम करती है। दूसरी जो सेल्स होती हैं वो होती हैं WBC या वाइट ब्लड सेल्स, और ये हमारी इम्यूनिटी का काम करती हैं। ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के अगेंस्ट हमें बचाती हैं। ये बहुत तरह की होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। और तीसरी जो सेल है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सेल्स होती हैं, और इनका काम होता है हीलिंग करना, और इन्हें कहते हैं प्लेटलेट्स। इसके अंदर होते हैं बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स, जिन्हें PGDF, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स बोलते हैं। कहीं छोटी मोटी चोट लग गई हो, कहीं ब्लीडिंग हो रही हो, तो प्लेटलेट्स वहाँ पहुँचते हैं और उस घाव को भरने का काम करते हैं। तो इसके अंदर जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, ये हर चीज़ की हीलिंग करते हैं और सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। तो अगर इन ग्रोथ फैक्टर्स को बाल की जड़ों में, स्टेम सेल्स में डाला जाए, तो बाल की जड़ें भी एक्टिवेट हो जाएंगी और तेज़ी से नए बाल बनाने लेंगी। और यही प्रिंसिपल है PRP इंजेक्शन के पीछे। जब एंडोजेनिक एलोपेशिया या किसी भी तरह का एलोपेशिया जिसमें बाल की जड़ें अगर नॉर्मल हैं, तो उस केस में अगर रूट्स को हमें स्टिमुलेट करना हो, रूट्स डॉर्मेंट फेज में होती हैं, वो सोई हुई रहती हैं और बाल नहीं बना रही होती हैं, यही प्रॉब्लम होती है एंडोजेनिक एलोपेशिया में। तो अगर हम रूट्स को स्टिमुलेट कर सकें प्लेटलेट के ज़रिए, तो नए बाल आना शुरू होंगे। ये किया कैसे जाता है? पहले स्टेप वन में आपका थोड़ा सा ब्लड निकाला जाएगा। कहाँ से निकाला जाएगा? बाह से, और ये बहुत थोड़ा सा होता है, सिर्फ कुछ ML। और फिर उस ब्लड को प्रोसेस किया जाता है। इस प्रोसेसिंग में प्लेटलेट्स अलग हो जाते हैं और रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स अलग हो जाते हैं। इस अलग हो गए प्लेटलेट वाले पार्ट को जो हम निकालते हैं, इसी को बोलते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। जो ब्लड का लिक्विड फॉर्म है उसी को प्लाज्मा बोलते हैं, और उस लिक्विड फॉर्म में सिर्फ प्लेटलेट ही प्लेटलेट हों तो उसे बोलते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, PRP इंजेक्शन। दूसरे स्टेप में हमने सेंट्रीफ्यूज करके प्लेटलेट्स अलग कर लिए, और तीसरे स्टेप में हम इसे एक सिरिंज में भरते हैं और इसे स्कैल्प में पूरे एरिया में लगाते हैं जहाँ जहाँ पर बाल कम हो गए हैं। और फिर इसे रिपीट किया जाता है 15 दिनों में या 30 दिनों में, और ये सेशंस 6 से 8 इंजेक्शंस कंटिन्यूस लगाने हैं आपको। 2-3 महीने बाद आपको छोटे छोटे नए ग्रोथ दिखना शुरू होंगी। ये इंडिविजुअल वेरिएशन होता है, कुछ लोगों को बहुत जल्दी ग्रोथ दिखती है, कुछ लोगों को बहुत दिनों बाद ग्रोथ दिखती है, लेकिन प्लेटलेट के ग्रोथ फैक्टर्स अपना असर दिखाते हैं। और बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स में पाया गया है कि PRP इंजेक्शन बहुत अच्छा काम करता है। दवाइयों के साथ ये दवाओं का असर भी बढ़ा देता है, और अगर बिना दवाओं के सिर्फ PRP इंजेक्शन लिया जाए तो उससे भी नए बाल आते हैं। प्लेटलेट्स को हम दूसरे रोगों में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम होती है उसमें PRP इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। फेस के लिए यूज़ किया जाता है, फेस में पिगमेंटेशन के लिए, कॉम्प्लेक्शन फेयर करने के लिए फेस में भी PRP इंजेक्शंस लगाए जा सकते हैं। ब्रेस्ट में ग्रोथ के लिए, क्योंकि प्लेटलेट्स जहाँ भी जाएंगे वहाँ ग्रोथ कराएंगे, उनमें ग्रोथ फैक्टर होते हैं, तो बॉडी के किसी भी एरिया में हमें हीलिंग क्रिएट करनी हो, उस एरिया में चीज़ों को ठीक करना हो, तो हम प्लेटलेट इंजेक्शंस लगा सकते हैं। तो ये शॉर्ट में और सरल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की कि PRP इंजेक्शन क्या होता है। और अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल जानना हो तो क्लिनिक में विजिट कीजिए, इसके बारे में और भी बताएंगे और आपको करके दिखाएंगे कैसे किया जाता है।